आप सभी को मेरा राधे राधे। आज हम कान्हा जी का बेडशीट बनाएंगे। इसे आप माता रानी का बेडशीट बना सकती हैं। क्रोशिए के द्वारा बनाएंगे। यहाँ पे हम दो कलर से आउटलाइन एक अलग कलर से डाले हुए हैं और इस कलर से हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाएंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 20 चेन ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे छठा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से बल लेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे ठीक इसके जस्ट पीछे। देखिए ये जो डबल क्रोशिया बनाए इसके पीछे के चेन से हम 5 बार बल लेते हुए पफ स्टिच बनाएंगे। अब आगे फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरे चेन पे हुक को ले जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ठीक पीछे वाले चेन से हम पफ स्टिच बनाएंगे 5 बार बल लेकर, और इसी चीज़ को हम इस लाइन में रिपीट करते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए हैं। और अब इसे हम इतना में ही आप लोगों को बतलाते हैं। अब देखिए पलटने के बाद 3 चेन ले लिए। अब अगला बल लेते हुए इस स्थान से डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। बल लेंगे पहले, देखिए इस स्थान से हमें इसके ठीक आगे जो चेन है इस स्थान से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो बल लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम तैयार करेंगे। फिर से बल लेंगे, पफ स्टिच हम बनाएंगे ठीक इसके पीछे इस स्थान से। यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे, देखिए पांच बार बल लेते हुए बनाएंगे। अब सबों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे ठीक यहाँ से। यहाँ से हमें पफ स्टिच बनाना है और ठीक इसके आगे यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएं और इसके पीछे से यहाँ से हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो बस इस लाइन में भी हम इसी चीज़ को रिपीट करते चले जाएंगे। अब देखिए अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड रो बनाएंगे। 3 चेन लेंगे सबसे पहले, 1 2 3। अब यहाँ पे ठीक जैसा हम पहले बता चुके हैं पहला लाइन में, उसी ही हमें यहाँ रिपीट करते चले जाना है। डबल क्रोशिया एक बनाएंगे ठीक उसके पीछे के स्थान से हम पफ स्टिच बनाएंगे और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे।
इसी तरीके से जितना बड़ा आप बेडशीट बनाना चाहती हैं उतना इसे लंबाई और चौड़ाई में बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम इसे जितना हमें लंबा चौड़ा चाहिए हम इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। बनाने का तरीका आपको दो रो में ही समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका हम आउटलाइन बनाएंगे। देखिए, आउटलाइन बनाने के लिए दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे हम जोड़ लेंगे, कोना में जोड़ेंगे, जो तीन चेन लिए हुए थे उसी पे हम जोड़ेंगे। और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो तीन डबल क्रोशिया बना सकती हैं, चाहें तो पांच भी बना सकती हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे बन रहा है एक डबल क्रोशिया, फिर से दूसरा, तीन, चार और ये रहा पांच। पांच डबल क्रोशिया बना लेने के बाद एक पफ स्टिच पार करके जो चेन है, तीन चेन, इस पे हम हुक को डालेंगे और जोड़ेंगे। तो बस इस लाइन में हम चेन पे ही जोड़ते चले जाएंगे, फिर अगला जो आएगा उसमें हम एक पफ स्टिच पार करेंगे और अगली चेन पे जोड़ेंगे। अब दूसरे लाइन पे देखिए हमें किस तरह से बनाना है। ये दो बीच करेंगे पफ स्टिच हम। सबसे पहले तो पांच चेन, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया तीसरा डबल क्रोशिया, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा। अब देखिए, दो पफ स्टिच छोड़कर और आगे यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। तो इस लाइन में, इस साइड में हमें इसी तरह बनाना है। तो इसे चलिए हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद ये कुछ आपको देखने में इस तरह का लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ दो के बाद हम जोड़े हुए हैं इसी तरह से, और इस तरफ जो हम तीन चेन लिए हुए थे उसी तीन तीन चेन पे हम जोड़कर इसे कंप्लीट किए हुए हैं। तो इस तरह से बनकर कंप्लीट होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।